Good morning, students. Today, we are going to discuss a new topic that is pharmaceutical suspension. So, what are suspensions? Suspensions are heterogeneous biphasic liquids in which insoluble solid particulates are uniformly distributed in liquid phase. Okay. Suspension. हिट्रोजीनियस बायोफेजिक डोजेस फॉर्म होगी जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया जाएगा इन लिक्विड फेस विच मे बी स्टेबलाइज बाय इंक्लूजन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट जिसको स्टेबलाइज किया जाएगा बाय एडिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट ओके टू टाइप के मेनली सस्पेंशन कोलाइडल सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो होगा जो सॉलिड हम पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहे हैं इन लिक्विड मीडियम पार्टिकल साइज होगा वन नैनोमीटर टू पॉइंट फाइव माइक्रोन मीटर एंड इन कोर सस्पेंशन पार्टिकल साइज होगा वन टू हंड्रेड माइक्रोन मीटर नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सस्पेंशन ओके फर्स्ट इज इट शुड सेटल स्लोली एंड रेडिली रिडिस्पर्स ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर जो सस्पेंशन uh, में सेडिमेंट होगा ओके रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होना चाहिए एंड आफ्टर सेडिमेंटेशन अगर हम उसको रीडिस्पर्स करें तो वो जल्दी से डिस्पर्स होना चाहिए ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर सेकेंड पॉइंट इज़ इट्स शुड पोर रेडीली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर ओके रेडीली पोर होना चाहिए द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नाट फॉर्म अ केक जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जो सेटल डाउन पार्टिकल होंगे इट्स शुड नाट फॉर्म अ केक वो केक ना फॉर्म करे नेक्स्ट इज सस्पेंडिड पार्टिकल शुड भी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली साइज जो पार्टिकल्स हम सस्पेंड कर रहे डिस्पर्स कर रहे हैं इन लिक्विड इट शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली साइज नेक्स्ट इज़ विस्कोसिटी मस्ट मस्ट नॉट सो हाई विस्कोसिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट इज़ इट शुड बी केमिकली इनर्ट ये क्या होना चाहिए केमिकल इनर्ट होना चाहिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन ओके So, suspensions are classified into four main classes according to pharmaceutical uses. First is oral suspension, second is parenteral suspension, third is ophthalmic suspension, and last one is suspension for external use. On the basis of journal class, first one is oral suspension. Okay, so these suspensions are to be consumed by. द पेशेंट बाय औरल रूट जिसको औरलल रूट से लिया जाएगा ओरल सस्पेंशन जनरली कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग ओके फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ओरल सस्पेंशन इज पैरासिटामोल सस्पेंशन एंटा एसिड एंड टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन ओके सेकेंड इज एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन मीन्स suspension for external use these suspensions are meant for external use for example lotion and inhalation okay these suspension contain very small particles to avoid grittiness example of external use suspension is calamine lotion next is parenteral suspension okay so पेरेंट्रल सस्पेंशन विच आर एडमिस्टर्ड बाई पेरेंट्रल रूट आर कॉल्ड पेरेंट्रल सस्पेंशन एंड दस्पेंशन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल क्वालिटीज लाइक द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग शुड बी लेस इट कैन बी पास थ्रू द नीडल ऑफ द सीरेंज ओके सो कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि पेरेंट्रल uh, सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हुए हमें ध्यान में रखनी है फर्स्ट वन इज पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग शुड बी लेस ओके सो वो इजीली सिरिंज की निडल से पास हो सके सेकंड पॉइंट इज देयर शुड नॉट बी एनी क्रिस्टल ग्रोथ इन सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज ओके सो एग्जांपल ऑफ पेरेंट्रल सस्पेंशन इज प्रोकेन पेनिसलिन जी इंसुलिन जिंक सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल कि सॉलिड पार्टिकल का कितना प्रोपोर्शन है उस अकॉर्डिंग टू टाइप्स पे क्लासिफाई किया गया है डाइल्यूट सस्पेंशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन इन डाइल्यूट सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस फ्रॉम टू टू टेन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड ओके सॉलिड पार्टिकल्स का कितना प्रपोर्शन होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा टू टू टेन परसेंट तो हम उसको डायल्यूट सस्पेंशन बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसन एसिटेट एंड प्रिडिन स्लोन एसिटेट सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रेंजेस फ्रॉम फिफ्टी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम सॉलिड ओके फॉर एग्जाम्पल इट जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कि पार्टिकल का साइज़ कितना है उस बेस पर हम क्लासिफाई करें तो पहले ही हमने स्टार्टिंग में देखा कोलाइडल सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होगा वो सस्पेंडेड पार्टिकल का सॉलिड साइज लेस देन अबाउट वन माइक्रोन इन साइज are called as colloidal suspension okay but in case of coarse suspension suspension having particle size of greater than about 1 micron in diameter are called coarse suspension okay advantages of suspensions first one is suspension can improve chemical stability of certain drugs for example प्रोकिन पेनिसलिन जी ओके अगर हम सस्पेंशन केमिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा ओके सेकेंड वन इज़ ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट हाई रेट ऑफ बायोबिलिटी देन अदर डोजेस फॉम अगर हम बायोबलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की बायोबलिटी ज़्यादा होती है अदर देन कैप्सूल्स एंड कंप्रेस टैबलेट डोजेस फॉर्म से ओके नेक्स्ट इज सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जाम्पल क्लोरम फैनिकोल क्लोरम फैनिकोल का टेस्ट को मास्क करेंगे उसको प्रिपेयर करेंगे क्लोरम फेनिकोल पालमिटेड सस्पेंशन जो कि मास्क करेगा बिटर टेस्ट ऑफ क्लोरम फैनिकोल ओके नेक्स्ट इज ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल ओके फॉर एग्जाम्पल प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस फर्स्ट वन इज़ फिजिकल स्टेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन कैन अकर प्रॉब्लम्स कॉज प्रॉब्लम्स ओके तो प्रॉब्लम्स आ सकती है हमें सस्पेंशन को बनाने के बाद फिजिकल स्टेबिलिटी में सेडिमेंटेशन हो सकता है कॉम्पैक्शन हो सकता है ठीक है सेकेंड पॉइंट इज इट इज बल्कि सफिशियंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ओके थर्ड वन इज़ इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एंड नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेज फॉर्म ओके नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सस्पेंशन इस टाइप हमारे पास टू टाइप के सस्पेंशन होंगे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन सो डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डी फ्लॉक्यूलेटेड और नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ओके डी फ्लॉक्यूलेटेड को नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन भी कहा जाता है ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स फ्रॉम लूज एग्रीगेट एंड फ्रॉम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ओके तो इन केस ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल्स लूजली एग्रीगेट होंगे एंड like okay? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ओके इन डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी पार्टिकल्स एक सेपरेट एंटिटीज़ में फॉर्म होंगे सेकेंड पॉइंट इज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई जो पार्टिकल्स होंगे उनका सेडिमेंट का रेट जो सेटल डाउन का रेट होगा स्पीड होगा वो जल्दी हो जाएगा बट इन केस ऑफ नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ स्लो ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सेडिमेंट इज ईजी टू रीडिस्पर्स जो सेडिमेंट फॉर्म होगा वो ईजी होगा रीडिस्पर्स करने के लिए बट इन केस ऑफ डी फ्लॉक्युलेटेड सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स ओके नेक्स्ट इज सेडिमेंट इज़ लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म हार्ड केक ओके जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल्स लूजली एग्रीगेट होंगे उस केस में जो सेडिमेंट होगा वो हार्ड केक नहीं फॉर्म करेगा बट इन केस ऑफ नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सेडिमेंट इज़ वेरी क्लोजली पैक्ड ड्यू टू तो देयर सेपरेट एंटिटीज इट फॉर्म्स हार्ड केक ओके इनकेस ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर ओके सेडिमेंट फॉर्म होने के बाद जो ऊपर वाला लिक्विड होगा दैट इज़ सुपरनेटेंट लिक्विड वो क्लियर होगा बट इन केस ऑफ डी सस्पेंशन सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ नॉट क्लियर ओके नेक्स्ट इज़ फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल जो फ्लॉक्यूल्स होंगे वो बॉटल की साइड पर स्टिक करेंगे बट इन केस ऑफ डी फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन नथिंग स्टिक टू साइड ऑफ द बॉटल ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस फ्लॉक्यूलेटिज सस्पेंशन इज नॉट प्लेजिंग इन अपियरेंस बट डी फ्लॉक्यूलेटेड इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस ओके नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हुए कौन कौन से एजेंट्स को हम ऐड करेंगे फर्स्ट इज वेटिंग एजेंट ओके सेकेंड इज फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट थेक्निक एजेंट प्रिजर्वेटिव बफर्स कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वेटनिंग एजेंट ओके सो फर्स्ट वन इज वेटिंग एजेंट सो वेटिंग एजेंट आर द सबस्टांसिज विच रिड्यूजिज द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम वेटिंग एजेंट क्या होंगे जो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूज करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच दस्ट प्रोड्यूसिंग अ सस्पेंशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल इंट्रैगेंथ म्यूसिलेज एल्कोहलिन इन म्यूसिलेज ओके ग्लिसरीन इन सोडियम एल्जिनेट एंड बेंटोनाइट डिस्पर्जन और पॉलिसॉर्बेट्स ओके इन औरल और पीरेंट्रल सस्पेंशन वैटिक एजेंट रिड्यूस करेंगे जो सॉलिड पार्टिकल्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं लिक्विड में उन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेंगे ओके नेक्स्ट इज फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेल डिस्पर्सड इन डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन कैन भी इम्प्रूव बाई एडिंग अ सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कॉलोइ्स ओके विच एक्ट्स एज फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स एक्ट बाय रिड्यूजिंग द सर्फेस टेंशन एंड इम्प्रूविंग द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड एंड मिनीमाइज फ्लॉक्यूलेशन क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूजिंग द सर्फेस टेंशन एंड इम्प्रूविंग द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड्स और मिनिमाइज फ्लॉक्यूलेशन फ्लॉक्यूलेशन को रिड्यूस करेंगे ओके सो एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स आर सोडियम लोराइल सल्फेट ट्वींस स्पैंस का नेक्स्ट इज एजेंट, दीज आर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स विच फॉर्म कोलॉइडल डिस्पर्जन विद वाटर एंड इंक्रीज़ द विस्वासिटी ऑफ ऑफ द कॉन्टिन्यूस फेस ओके तो विस्क्वासिटी को इनक्रीज करेगा थकनिक एजेंट कॉन्टीन्यूअस फेस जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी विस्कॉसिटी को इंक्रीज करेगा सो दैट द सॉलिड पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विस्कॉसिटी इंक्रीज़ करने पर कॉन्टीन्यूअस फेस की जो सॉलिड पार्टिकल हम डिस्पर्स कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक उसमें स्टेबल रहेंगे सस्पेंड रहेंगे ओके एग्जाम्पल थनिक एजेंट्स आर यूज टू तो स्टेबलाइज आर क्लासीफाइड इन टू थ्री मेजर ग्रो फर्स्ट वन इज पॉलीसेक्राइड्स ओके पॉलीसेक्राइड्स में फर्स्ट आ जाएंगे नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस नैचुरल पॉलीसक्राइडस फर्स्ट वन इज गमेशिया गम मकेशिया एक्ट सेज प्रोटेक्टिव कोलाइड ओके प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह काम करेगा एंड सस्पेंडिंग एजेंट इट कंटेन्स डेजनियस टेंक्चर एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन यूज विद कंपाउंड ट्रैगेंट पाउडर अगर हम गम अकेशिया को ट्रैगगन पाउडर के साथ यूज़ करें सो इट इज़ मोर इफेक्टिव सो अकेशिया कंटेन एन एंजाइम ऑक्सीडेज विच कॉज डिटोरेशन ऑफ मेडिकामेंट सो बेंज़ोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड्स आर एडिड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट ओके प्रिजर्वेटिव आर एडिड टू प्रिजर्व द सस्पेंशन कंटेन गम अकेशिया ओके नेक्स्ट इज ट्रैगागंथ ओके सो नेचुरल प्रॉलीसेक्राइड्स का सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रैगागन इट इज़ बेटर बेटर थिकनिक एजेंट देन गम अकेशिया सो इट इज़ यूज एज कंपाउंड ट्रैगगन पाउडर और ट्रैगागन म्यूसीज ओके सो कंपाउंड ट्रैगन पाउडर की कॉन्सेंट्रेशन हम देखें तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ अकेशिया फिफ्टी परसेंट ट्रैगागन्थ एंड ट्वेंटी परसेंट स्टार्च एंड रेस्ट सुक्रोज ओके ट्रैगगन म्यूसिलेज इज़ यूज when द vehicle इज वाटर एंड chloroform वाटर ओके okay? जब वाटर हमारे पास वहीकल होगा तब हम ट्रैगगन म्यूसिलेज को यूज़ करेंगे प्रपोशन यूज़ करेंगे वन फोर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इन केस ऑफ ट्रैगगन पाउडर प्रपोशन यूज करेंगे टू ग्राम इन हंड्रेड एम एल ऑफ मिक्सचर इट इज़ यूज वेन द व्हीकल इज़ अदर देन वाटर और क्लोरोफाम ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टार्च स्टार्च Uh, Sometimes used as suspending agent because it form viscous mucilage. Okay. Next is uh, sodium alginate. Okay. Sodium it forms a viscous solution when dissolved in water, and it is one percent. It's one percent concentration used as suspending agent, and it should be soaked overnight before used. Okay. Next. Next example of polysaccharides is semi synthetic okay so first one is example of semi synthetic thickening agent methyl cellulose sodium carboxymethyl cellulose and microcrystalline cellulose generally used in the concentration of 0.5 to 2% okay and used as thickening agent both for external or internal preparation second is sodium carboxymethyl cellulose used in the concentration mm -hmm. from 0.25 to 1 percent and used for external or parenteral use. Next is microcrystalline cellulose, it is prepared from wood cellulose by acid hydrolysis, okay, and it produces colloidal dispersion. Next uh, category is major group is inorganic agent first the polysaccharide second one is inorganic agents it contains clays and aluminum hydroxide commonly used thickening agent in clays is bentonite and aluminum magnesium silicate bentonite is play pale and creamy hygroscopic powder and 2% concentration is used as a suspend, suspending agent and second one is aluminum magnesium silicate it is creamy white and tasteless powder and it is used in internal or external preparation also okay aluminum hydroxide contain calamine barium sulfate and sulfonamide and sulfur and it is used as a suspending agent so third third major group is synthetic compounds so it contains carbomer and colloidal silicon dioxide okay carbomer is carboxy vinyl polymer okay it is used as thickening agent concentration used in uh, used as suspending agent is 0.1 to 0.4% and it is used for internal or external preparation second is colloidal silicon dioxide it is white non-gritty powder and it acts as suspending agent in the concentration of 1.5 to 4 percent okay next ingredient is preservatives okay नेक्स्ट जो हम एडिटिव यूज़ करेंगे प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव इज नीडेड टू प्रिजर्व द सस्पेंशन अगेंस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ ओके बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसके लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव सेलेक्टेड शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं हम कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो हमारी प्रिपरेशन में बेंजोइक एसिड सोडियम बेंज़ोइट मिथाइल बे पैराबिन प्रोपाइल पैराबिन एंड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज बफर बफर्स आर एडेड टू रेजिस्ट द चेंज इन पी एच फॉर एग्जाम्पल सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम बोरेट दीज आर यूज्ड एज अ बफर इन सस्पेंशंस ओके next is organoleptic additives it contain coloring agent sweetening agent and flavoring agents are generally incorporated in oral suspension okay next is next topic is method of dispensing of suspensions okay so suspensions are divided into four types according to methods of dispensing first one is suspensions containing diffusible solids second one is suspension containing indiffusible solids third one is suspension containing precipitate forming liquids and last one is suspension produced by chemical reaction Okay, suspension containing diffusible solids. De what are diffusible solids? Diffusible solids are certain insoluble powdered. सब्सटांसिस विच आर लाइट इन वेट डिफ्यूजेबल सॉलिड्स होंगे पाउडर सबस्टांस जो कि लाइट होंगे वेट में एंड रेडिली मिक्सड विद वाटर जो जल्दी से वाटर में मिक्स हो जाएंगे एंड रिमेन सस्पेंडिड थ्रू आउट द लिक्विड फॉर लॉन्ग टाइम जो सस्पेंड रहेंगे लिक्विड में वहीकल में लॉन्ग टाइम के लिए आफ्टर शेकिंग जब हम उनको शेक करेंगे तो वो रेडिली मिक्स हो जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक सस्पेंड रहेंगे थ्रू आउट द liquid okay for example is calcium carbonate and light magnesium carbonate and light kaolin okay so general method of dispensing of diffusible solid first point is carefully tear the container finely powder the solid ingredients okay mix the insoluble ingredient in mortar and add enough vehicle to me make, make a smooth cream तो जनरल डिस्पेंसिंग का मेथड क्या है टेयर करेंगे कंटेनर को जो हमारा फाइनली पाउडर सॉलिड इंग्रेडिएंट है उसको इन सॉल्यूबल पाउडर के साथ मोटार में मिक्स करेंगे एंड ऐड इनफ वहीकल टू मेक अ स्मूथ क्रीम ओके एंड आफ्टर मेकिंग स्मूथ क्रीम ऐड मोर ऑफ वहीकल टू मेक इट पोरेबल ओके देन एग्जामिन द सस्पेंशन केयरफुली ओके okay? हम सस्पेंशन को एग्जामिन करेंगे एंड इफ इट कंटेन फॉरेन पार्टिकल्स अगर ये फॉरेन पार्टिकल कंटेन करता है देन इट शुड बी स्ट्रेन थ्रू अ मसलिन क्रोथ इन टू अ टेयर्ड कंटेनर ओके एंड आफ्टर स्ट्रेनिंग रिंस द मोटार एंड पेस्टल विथ सक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ व्हीकल एंड अंटिल दे आर क्वाइट क्लीन एंड ट्रांसफर द रिंसिंग टू द बॉटल ओके एंड एड मोर वहीकल टू produce the required volume and mix thoroughly by shaking the bottle okay so examples of uh, diffusible solids are light kaolin okay light magnesium carbonate suspension okay next is suspension containing indiffusible solids so indiffusible solids are those substances which do not dissolve in water jo dissolve in water mein and do not remain evenly distributed in the vehicle for sufficient long time of uniformity of dose okay jo ki uh, hamare vehicle mein long time tak kya nahi honge evenly distributed nahi honge to evenly इन solids सॉलिड्स के एग्जाम्पल होंगे जो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं कैलेमाइन हाइड sulfur precipitated and zinc oxide and internally used in diffusible solids are aspirin aromatic chalk powder and phenobarbitone sulfanid sulfide and succinyl sulfathiazole okay नेक्स्ट इज सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड ओके सो दीज आर द सब्सटेंस लिक्विड प्रिपरेशन दैट इज प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन टू वाटर ठीक है जब हम वाटर में ऐड करेंगे इन लिक्विड प्रिपरेशन को सो so वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगी फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड बेंजोइन टिकिंक्चर एंड टोलू टिंक्चर सो दीज लिक्विड्स आर नॉट ऑनली इंसॉल्यूबल इन वाटर सो टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन अ प्रोटेक्टिव कॉलोइड कॉलोइड यूज करेंगे इज डिस्पर्ड इन व्हीकल एंड बिफोर टिंकर इज एडिड टिंक्चर को एड करने से पहले हम एक कॉलोइड को डिस्पर्स कर देंगे व्हीकल में कौन सा कॉलोइड होगा फॉर एग्जाम्पल ट्रैगगन म्यूसीज यूज इन वन फोर्थ ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड कंपाउंड ट्रैगगन पाउडर यूज इन टू ग्राम बाई हंड्रेड एम एल ओके नेक्स्ट इज सस्पेंशन कंटेनिंग केमिकल रिएक्शन सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन द हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर मिक्स टुगेदर सो एज टू फॉर्म वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट ओके सो दैट कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड बाई शेकिंग ओके सो हाईली डायल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे ओके टू फॉर्म अ वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट एंड उससे क्या होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द लिक्विड बाई शेकिंग ओके हैंस देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनी सस्पेंडिंग एजेंट सो इस केस में हमें कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट एड करने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम्पल बात करें तो सल्फुरेटिड पोटाश जिंक सल्फेट एंड कॉन्सनट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड कैम्फर वाटर एंड वॉटर अप टू हंड्रेड एम एल सो दिस टाइप दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैमिकल रिएक्शन सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन ओके सो अ स्टेबल सस्पेंशन कैन बी री डिस होमोजीनियसली विथ मॉडरेट शेकिंग एंड कैन बी इजिली पोर थ्रू इट्स सेल्फ शेल्फ लाइफ ओके सो हमारा स्टेबल सस्पेंशन होगा जिसको हम होमोजीनियसली रिडिस्पर्स करें तो इवेल्यूएशन करने के लिए कि हमारा जो सस्पेंशन है वो उसका शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है शेल्फ लाइफ वो अपना शेल्फ लाइफ के टाइम पर इजीली पोर्ड हो इजीली रीडिस्पर्स हो उसको इवेल्युएट करने के लिए सस्पेंशन को इवेल्युएट करने के लिए फोर मेथड्स है फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन मेथड रियोलॉजिकल मेथड इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड एंड माइक्रोमेट्रिक मेथड ओके फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन मेथड सेडिमेंटेशन मेथड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इट इज़ डिटरमाइंड बाई कीपिंग अ मेजर वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर इन एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशन फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ओके हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में एक मेजर्ड वॉल्यूम रख देंगे सस्पेंशन का ओके द अल्टीमेट हाइट ऑफ द सेडिमेंट एंड इनिशियल हाइट ऑफ द टोटल सस्पेंशन हम क्या करेंगे उस टाइम पीरियड में कितना हाइट है सस्पेंशन का और कितना इनिशियल हाइट होगा uh, टोटल सस्पेंशन का उसको देखेंगे द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ़ इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट हाइट एंड इनिशियल हाइट सो एफ़ इज इक्वल टू एच यू बाई एच नॉट ओके एच यू क्या होगा अल्टीमेट हाइट ठीक है एंड एच नॉट क्या होगा इनिशियल हाइट ओके द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम ओके ग्राफ प्लॉट करेंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का टाइम के अगेंस्ट अ द ग्राफ इंडिकेट सेडिमेंटेशन पैटर्न ऑफ सस्पेंशन ऑन स्टोरेज ओके अ स्टेबल सस्पेंशन शोज हॉरिजॉन्टल एंड लेस स्टीप कर्व एंड इवेल्युएशन ऑफ रीडिस्पर्सिविटली कैन ऑल्सो बी डिटर्माइंड बाय शेकिंग द सस्पेंशन एंड अगेन फाइंड आउट द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ओके बाई एच म्यू बाई एच नॉट फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे तो क्लियर सुपरनेटेंट सुपरनेटेंट क्लियर होगा बट इन केस ऑफ डी सुपरनेटेन सुपरनेटेंट लिक्विड नहीं होगा ओके इन केस ऑफ मीडियम पीरियड ओके कुछ आवर्स के बाद और कुछ डेज के बाद पोरस सेडिमेंट होगा बट इन केस ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड फ्लॉक्यूलेटिड जो सुपरनेटेंट होगा वो क्लियर नहीं होगा लॉन्ग पीरियड्स के बाद देखें तो लिटल चेंजेस सेडिमेंट वॉल्यूम बट इन डी फ्लॉक्यूलेटेड वो क्या करेगा केक फॉर्म करेगा ओके नेक्स्ट मेथड इज़ माइक्रोमेट्रिक मेथड द सस्पेंशन ऑफ अ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेस ओके तो स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी पार्टिकल साइज़ पर ठीक है डिस्पर डिस्पेंस फेस ओके द साइज़ ऑफ़ द पार्टिकल इन सस्पेंशन मे ग्रो एंड मे इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लम्ब और केकिंग जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन में वो बढ़ सकता है और उससे क्या होगा इट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लम्बस लम्ब फॉर्म हो सकते हैं और केकिंग फॉर्म हो सकती है ओके सो एनी चेंज इन पार्टिकल साइज़ विद रेफरेंस टू टाइम विल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन ओके सो पार्टिकल साइज टाइम के टाइम पीरियड के साथ चेंज हो रहा है सो so, ये भी हमारे को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन अ चेंज इन पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिस्टल हैबिट मे बी स्टडीड बाई माइक्रोस्कोपी जो पार्टिकल साइज़ होगा माइक्रोमैट्रिक मैथड में हम पार्टिकल साइज़ चेक करेंगे एंड उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाई माइक्रोस्कोपी एंड कल्टर काउंटर मैथड माइक्रोमेट्रिक मैथड ओके हम काउंटर काउंटर मैथड एक इंस्ट्रूमेंट होगा दैट मेजर्स पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज पार्टिकल्स फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ओके एंड माइक्रोस्कोपिक डिस्ट डिटर्मिनेशन जिससे हम पार्टिकल साइज देखेंगे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है थ्रू आउट द सस्पेंशन ओके नेक्स्ट इज रियोलॉजिकल मैथड द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीज़ एट डिफरेंट टाइम इंटरवल बाई यूजिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ विस्कोमीटर ओके रियोलॉजिकल कंसिड्रेशन रियोलॉजिकल रियोलॉजिकल स्टडीज होगी विस्कोसिटी को मेजर करेंगे हम ओके इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन ओके बिकॉज विस्कोसिटी अफेक्ट्स द सेटलिंग ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स ओके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज वाई सस्पेंशन इज शेकन एंड प्रोडक्ट इज पोर्ड आउट ऑफ द बॉटल ओके विस्कॉसिटी अफेक्ट करेगी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को ठीक है सस्पेंशन को जब हम शेक करेंगे एंड प्रोडक्ट को पोर करेंगे बॉटल से और स्प्रेडिंग क्वालिटीज़ ऑफ लोशन व्हेन इट इज़ अप्लाइड टू इफेक्टेड एरिया सो सस्पेंशन को इवेल्युएट करने का थर्ड मैथड है रियोलॉजिकल मैथड जिसमें हम विस्कॉसिटी की स्टडी करेंगे ओके okay? एंड It provides useful information about the stability of suspension. So, this is the diagram of Brookfield viscometer. Okay, viscosity is measured by using this Brookfield viscometer. Okay, next is electrokinetic method. The determination of surface electric charge or zeta potential of suspension is helpful to find out the stability of suspension. So, surface electric charge. जिसको हम जीटा पोटेंशियल बोलेंगे वो भी हेल्प करेगा हमें टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन जेटा पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक फॉरेटिक मेथड। ओके जेटा पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे बाय इलेक्ट्रिक फॉरेटिक मेथड ओके नेक्स्ट इज कंटेनर सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ कंटेनर विच हैव विच आर हैविंग एडिक्यूट एयर स्पेस अबब द लिक्विड टू परमिट एडिक्यूट शेकिंग ओके कंटेनर में रखेंगे जिसमें एक एडिकुएट स्पेस होगा एयर स्पेस होगा जो कि शेकिंग के टाइम लिक्विड को परमिट करेगा ठीक है ताकि अच्छे से शेक हो नैक्स्ट इज द औरल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इड माउथ वाइड माउथ बॉटल ओके नेक्स्ट इज लेबलिंग द कंटेनर हैविंग लिक्विड सस्पेंशन मस्ट लेबल विद द सेकेंडरी लेबल शेक वेल बिफोर यूज ओके इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन पाउडर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ़ व्हीकल टू बी मिक्स मे बी इंडिकेटेड ऑन द लेबल ड्राई अगर सस्पेंशन पाउडर्स होंगे तो लेबल में हम मैंशन करेंगे ठीक है कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल मिक्स किया जाएगा ओके okay? Next is storage. Suspension should be stored in cool place but should not be kept in a refrigerator. Okay. Because freezing at a very low temperature should be avoided which may lead to aggregation of the suspended particles. Okay. So, here we have some marketed biphasic liquid doses form of suspension. Examples, Mabix syrup, Ciplin syrup, Mabix. Mebex suspension, sorry, ceplin suspension, septran suspension, enterosin suspension, and Columbin suspension. So these are the marketed biphasic liquid doses form of suspension. So that's all for today. Thank you very much.